सो हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सऊदी अरेबिया में एक एयरपोर्ट है जहाँ इसका नाम है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है जो कि हम कंपेयर कर ले एक सिटी से, जो कि हम कंपेयर कर ले एक मुंबई की सिटी से, एक मुंबई की सिटी से एयरपोर्ट बड़ा है। जी हाँ गाइस, इतना बड़ा एयरपोर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ये किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 780 किलोमीटर पे फैला हुआ है। और अपना मुंबई सिटी जो कि कंपेयर कर ले, मुंबई सिटी जो कि 603 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। जी हाँ गाइस, 780 स्क्वायर किलोमीटर पे ये एयरपोर्ट फैला हुआ है, जो कि मुंबई से बड़ा है ये एयरपोर्ट। जी हाँ गाइस, अब चल लेते जाएंगे तो आप पहुंचेंगे नहीं और इसकी आपको किनारा मिलेगा ही नहीं, इतना बड़ा ये एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा इसलिए है कि कई सारे जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड के यहाँ पे लोग आते हैं, जो कि हज करने और उमरा करने और यहाँ पे टूर करने लोग जो कि पूरे कोने कोने से आते हैं, इसलिए ये एयरपोर्ट इतना बड़ा बना गया है। आपने कभी ये अम्बेरला को देखा है? जी हाँ गाइस, ऐसे अम्बेरला को देखा है? इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ना टॉप है, ना रेस्गिन है, ना कुछ भी नहीं है। जी हाँ गाइस, ये अम्बेरला ऐसा है जो कि एक स्टिक की तरह है, जो कि हल्का फुल्का है। ये अम्बेरला एक इलेक्ट्रिक अम्बेरला है। जी हाँ गाइस, ये एयर फ्लो करता है और जैसे ही एयर फ्लो करता है, जो कि हम बारिश में लग जाते हैं तो एयर फ्लो करने से बारिश को साइड में हटा देता है और हमारे पे बारिश पड़ना रोक देता है। सिर्फ ये एयर फ्लो करता है बारिश को, जहाँ इस पानी से एयर से मुकाबला करके ये पानी को हटा देता है ये अम्बेरला। और कई दिनों कुछ दिनों में ये अम्बेरला आने वाला है। आपको एक इंटरेस्टिंग से बात बता दूं, व्हाट्सएप हर कोई यूज करता है जनरेशन में, लेकिन व्हाट्सएप के यूजर्स है 2 बिलियन यूजर्स और इसको संभालने वाले हैं सिर्फ 50 जने। जी हाँ गाइस, सारी वर्ल्ड वाइड में व्हाट्सएप को संभालने वाले हैं सिर्फ 50 जने। जी हाँ गाइस, इसका स्टाफ खाली 50 है जो कि 2 बिलियन यूजर्स को संभालता है। इसे कहते हैं दुनिया, इसे कहते हैं इंटरेस्टिंग सी दुनिया। और ऐसे चीज़ों को संभालने वाले कितने टैलेंटेड होंगे, तो ये 2 बिलियन यूज़र्स है व्हाट्सएप को यूज़ करने वाले, और इस डाटा को कैसा संभालते होंगे खाली वो 50 लोग। जी हाँ गाइस, इंटरेस्टिंग बात है ना गाइस। पीने के बॉटल को कोई पानी के बॉटल में डालकर बेचना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और इसे लोग खरीद भी रहे हैं। जी हाँ गाइस, फ्री पानी को कोई बॉटल में डालकर और कोई बेच रहा है तो लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन इस फ्री के पानी को कोई बॉटल में डालकर पैक करके बेचता है तो वो बड़ा दिमाग वाला ही होगा। 1965 में इटाली के रहने वाले फिली के बिस्लरी को ये आइडिया आया। जी हाँ गाइस, उन्होंने बॉटल का नाम रखा, फिली के बिस्लरी उनका नाम है तो बिस्लरी उस बॉटल का नाम रखा। जी हाँ गाइस, उस वाटर बॉटल का नाम रखा और लोगों के बीच जाकर वो जो कि पैकेज वाटर है वो बेचना शुरू करा और उन्होंने कई सारे पैसे कमाए। जी हाँ गाइस, और हमारे इंडिया में ये आया उसके बाद। जी हाँ गाइस, ये बिस्लरी को पार्ले जी ने खरीदा। जी हाँ गाइस, पार्ले कंपनी है उसी ने खरीदा और 4 लाख में खरीदा था बिस्लरी। और इसके कई सारे प्रोडक्शन होते हैं और इसकी महीने की इनकम है $2 मिलियन। जी हाँ गाइस, बिस्लरी की महीने की इनकम है, जो कि पार्ले कंपनी के महीने की इनकम है $200 मिलियन। जी हाँ गाइस, मैं सच कह रहा हूँ कि आइडिया ही ऐसी चीज़ है जो कि नए नए चीज़ खोज कर दिमाग में आकर जो कि हम लाखों करोड़ों रुपये बना देते हैं। आपको ये फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कैसे लगे चार सेक्शन में लेकर जरूर बता दीजिएगा, और हमारे चैनल को ट्यूबर आदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़्यादातर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।